बेगल का कुबे हम वस्तु जो व्यक्ति इन दोनों को जानते हैं, भोज्या और भोज्य और भोग को वस्तु और भोग भोग करने वाला दोनों को जानते हैं, वो व्यक्ति भोग करते हुए भोग के द्वारा ये पायमान नहीं होता। ऐसा यहाँ पे कारिका में कितना नंबर कारिका था, ये 7 या 8 नंबर का, ये 5 नंबर था, हाँ 5 नंबर कारिका, 5 नंबर कारिका में ये कहा गया था। अब क्या ये तीन धामों में जो दिखाई पड़ते हैं वो तीन धाम कोई पारमार्थिक वस्तु नहीं है, इसलिए यहाँ पे कहे थे कि देखो ये दोनों में विशेषता 4 चीज को लाया अभी आपके सामने, जागृत स्वप्न सुषुप्ति अतुल्य, ये 4 चीज में समानता क्या है, 4 चीज में प्रत्येक में विशेषता क्या है। अब दिखाया जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों में एक समानता क्या है, वो तीनों जो है अज्ञान के तरह बंधे हुए हैं, वहाँ पे अग्रहण है, बीज निद्रा से जुड़ा हुआ है, कौन जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों, परंतु सुषुप्ति में अन्यथा ग्रहण नहीं है, सुषुप्ति में बीज का फल नहीं है, बीज का फल जागृत स्वप्न में दिखाई पड़ता है, वहाँ पे अन्यथा ग्रहण होता है। जागृत और स्वप्न को एक कैटेगरी में लाया, वो हो गया अग्रहण, अन्यथा ग्रहण दोनों वहाँ पे हो रहा है, ठीक है। सुषुप्ति में क्या है, केवल मात्र अग्रहण है, अन्यथा ग्रहण नहीं है। अब तो तुरीय न सिद्ध, तो अरे दोनों ही तुरीयों में सिद्ध नहीं होता, तुरीय न अग्रहण है न अन्यथा ग्रहण है। इस प्रकार से यहाँ पे किसमें क्या विशेषता है, किससे कौन विलक्षण है, किसमें क्या समानता है, इसका इस प्रकार से वस्तु को प्रतिपादन करके यहाँ पे दिखाया। अब जो है यहाँ पे ये जो आप मिथ्या मिथ्या बोलते हैं, मिथ्या की परिभाषा हमने हिसाब से बोलते हैं, ये जो स्वप्न बोला अन्यथा गृहते स्वप्न निद्रा तत्व अजानत, वेदांतिक शब्द के अनुसार निद्रा मतलब होता है जिसके कारण से आप स्वप्न देखते हैं, वो हो गया तत्व की अज्ञान, हो गया निद्रा, और तत्व की अज्ञान के कारण से जो अन्यथा ग्रहण होता है हो गया स्वप्न। इसलिए केवल मात्र सो के ही आप निद्रा देखेंगे, निद्रा होगा तो स्वप्न, ऐसे बात नहीं है। वो जो अधिष्ठान तत्व वहाँ पे रज्जु रूप में पड़ा हुआ है उसको ठीक से नहीं जानना, अथवा जो सुक्ति का के वहाँ पे पड़ा हुआ उसको ठीक से नहीं जानना, ये हो गया आपका निद्रा। और इसके फलस्वरूप क्या होता है, अन्यथा ग्रहण होता है, अन्यथा ग्रहण क्या हो गया उसका हमने उल्टा समझ गया है, रज्जु को सर्प को भूषित माला दंड भूत इसका ही चीज समझ देते हैं, अथवा सुक्ति का गलत समझ, ये हो गया अन्यथा, उसको बोलते हैं स्वप्न, अन्यथा गृहते स्वप्न निद्रा तत्व अजानत विपर्यासे तयोच्छिन्न, ये दोनों विपरीत ग्रहण जब क्षीण हो जाता है तुरीय, तब उस समय तुरीयों की बोध होता है, उस समय तुरीयों की बोध होता है। हम तो जगे हुए हैं, आप कैसे बोल रहे हो आप निद्रा में हैं, ये कहना आपका ठीक नहीं है, क्योंकि हमें तो लगता है कि मैं जगे हुए हूँ, बोलते ये जागना मैं नहीं, हम लोग नहीं बोल रहे हैं, हम तो बोलते हैं कि अनादि माया निद्रा से तुम सोए हो, अनादि माया सुप्त जीव जदा प्रबुद्ध दे, हैं कब से शुरू हुआ कैसे शुरू हुआ ये आपको पता नहीं लगा, ये आपको पता नहीं लगता, परंतु हमको जो है यथार्थ वस्तु का ग्रहण नहीं हो रहा है। ये जो अनादि माया निद्रा में सोया हुआ जीव है ना, जिस समय अनादि माया सुप्त जला जीव प्रबुद्ध थे, जिस समय गुरु आचार्य की कृपा से और वेदांत वाक्यों के विचार से उसका निद्रा खुल जाता है, यदा जीव अजम अनिद्रम अस्वप्नम अद्वैतम बुद्धते तदा, उस समय जो अग्रहण अन्यथा ग्रहण मिट करके वह एक जन्म रहित अशुद्ध व्यापक तत्व तो ऐसे समझ में आ जाता है, ठीक है ना। अब जो इतना कथन करने के बाद फिर यहाँ पे बोले थे देखो आप कैसे बोल रहे हैं कि जगत मिथ्या है, हमें तो दिखाई पड़ता है जगत दिखाई पड़ता है, मिथ्या कैसे हो, जब तक जगत है तब तक आपको अद्वैत सिद्ध नहीं होगा, जगत आप अद्वैत मतलब अधिष्ठान दोनों भिन्न हो गया, इसलिए बोलते हैं आपका अद्वैत सिद्ध जो आप कहना चाहते हैं, परंतु वहाँ पे तो प्रपंच विद्यमान रहता है, और प्रपंच जब तक है तब तक अद्वैत सिद्ध ही नहीं होगा, तब बोलते हैं आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या हम लोग कहना चाहते हैं, ये चीज़ को सावधानी से समझना है, यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो गया। प्रपंच यदि विद्येत निवर्तेत न संशय, यदि प्रपंच नामक कोई वस्तु पारमार्थिक होता तब तो आप उसको जो है विस्तृति बार धार के तोड़ तार के उसको नाश कर सकते हैं, तो है ही नहीं वहां पे, रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहा है सर्प, यदि वो पारमार्थिक वहां पे हुई होती तब क्या होता कि आप उसको मार के मार से नाश कर सकते थे, जला सकते थे, परंतु है ही नहीं वहां, कुछ नहीं कर सकते। मतलब भ्रांति से जो वस्तु प्रतीति होती है ज्ञान से वस्तु मिल जाता है, यदि वो वस्तु पारमार्थिक होता तभी भी कभी भी मिटने वाला नहीं था, इसलिए बोलते हैं प्रपंच यदि विद्यते, मतलब प्रपंच यदि पारमार्थिक होगा ना कभी मिटने वाला नहीं है, मुक्ति की आशा मत करना, कभी मुक्त हो ही नहीं पाओगे। निवर्तित तो ना यदि होता प्रपंच यदि विद्यते तो निवर्तित तो न सकते, तब हम उसको निकल सकते थे, परंतु माया मात्र मिदम दैतम, केवल मात्र माया से ही प्रतीति होती है, माया
मतलब जो नहीं है परंतु प्रतीति होती है उसका प्रयोग दिखाई पड़ता है। तो इस प्रकार से माया मात्र इदम द्वैत विभेद जो दिखाई पड़ता है वो मायिक है। तो पारमार्थिक क्या है? भेद रहित पारमार्थिक अद्वैतम पारमार्थिक। इस श्लोक को हम लोगों ने कल पढ़ लिया था ना, इस श्लोक को पढ़ लिया था, श्लोक हो गया था ना। अच्छा, इसके ऊपर जो है टीका में देखिए छोटा सा भाष्य है यहाँ पे कि तुरीयम अद्वैतम इति उक्तम तद अयुक्तम। ये तुरीय स्थिति क्या है? भेद रहित स्थिति है। ये कहना आपका सही नहीं है कि प्रपंच से द्वितीय से सत्वा द्वितीय रूप में द्वैत रूप में प्रपंच विद्यमान रहते हैं तो कैसा अद्वैत सिद्ध होगा? उसका शंका में उत्तर दिए बोलते हैं प्रपंच यदि विद्यत यदि प्रपंच ना होता तो मिल जाता, परंतु प्रपंच केवल प्रतीति मात्र है। एक सामान्य अगर आपसे हम पूछते हैं, हम बोलते हैं संसार और जगत, संसार और जगत ये दोनों में भिन्नता अथवा समरूपता क्या पूछता? दोनों के एक ही है। जगत बोलते हैं चरची चरती इति जगत और संसरती इति संसार। यदि इसका एटमोलॉजिकली देखेंगे चरती इति जगत कम धर्म से बनते हैं और संसरती इति संसार। गैर होने के बाद क्या मिलेगा? जगत मिलेगा कि संसार? संसार, संसार, संसार। जगत और संसार में ये भिन्नता है, जगत हो गया वस्तु और संसरण करने वाला संसार मतलब मैं जो जानवर सब कुछ जितने संसार करता है जन्म लेते संसरण करते हैं। वस्तु आत्मा जगत विषय है कि नहीं आप समझ के? तो इसलिए ये जगत जो है ज्ञान के बाद भी जगत नहीं मिटती, परंतु उस जगत में जो संसरण करने का जो हेतु था हमारे अंदर संसार को जो संसरण करते हैं, कौन संसरण करता है? जीव, जीव संसरण करते हैं, ठीक है ना। संसरण करने वाला कौन है? जीव। जागृत स्वप्न सुषुप्ति यह जन्म पर जन्म कौन घूम रहा है? ये बंद हो जाता है, ये बंद हो जाता है। ये शब्द प्रयोग की शैली से आप देखना कहीं पे क्या, कहाँ पे संसार प्रयोग कर रहे हैं, कहाँ पे जगत प्रयोग कर रहे हैं। जगत जब विषयात्मक रूप में कहना चाहते कि जगत जो प्रपंच यदि विद्यत प्रपंच से प्रपंच का अंतर्पाती दोनों ही हम ले लेंगे यहाँ पे, क्योंकि जगत भी है संसार भी है। जगत चरती इति जगत जो सामने विषय रूप में दिखाई पड़ता है वहाँ पे जनरली जगत शब्द प्रयोग करते हैं। इसलिए संसार सागर ऐसे बताते हैं, संसार सागर नहीं बताते, जगत सागर नहीं बताते हैं। संसार सागर क्योंकि अनादि काल से संसार में आप घूमते डूबते जाते हैं, उठते हैं जाते हैं, उठते जाते हैं। तो यहाँ पे प्रति विस्तार यहाँ धातु है जिसको ये विस्तार सारा दिखाई पड़ रहा है, ये दोनों मिलकर के बोलते हैं प्रपंच को। प्रपंच के दो भाग है, एक जगत भाग एक संसरण भाग है। ज्ञान से क्या होता है? संसरण भाग का नाश हो जाता है, जगत पड़ा रहता है। देखिए आप देखिए यहाँ पे देखिए इस शरीर में जगत भाग क्या है? ईश्वर सृष्टि पर जगत है, ठीक है ना। इसके ऊपर हमारा कोई हाथ नहीं है, ये भगवान पंचभूत से बना हुआ है। पर इसका ऊपर जो ममत्व बुद्धि अथवा ये मैं हूँ अथवा इसको किसी ने गुरु माना, किसी को शिष्य माना, किसी ने पिता माना, किसी ने माता माना, किसी ने भाई माना, किसी ने चाचा माना, ये जो है ये संसार है, ये संसार है। एक पिंड पड़ा हुआ है वहाँ पे, वो पिंड जो भी 5 फुट 6 फुट लंबा 50-60 किलो वजन वाला ये जगत के अंतर्पाती ईश्वर की वस्तु, परंतु उस पिंड के अंदर मैंने जो भावना किया, पिंड के अंदर मैंने जो भावना की, ये मेरा गुरु, ये मेरा चेला, ये मेरा बेटा, ये मेरा पोता, ये मेरा माँ, ये मेरा बाप, ये जो भावना किया, कोई कामुक व्यक्ति एक पंक्ति में एक स्त्री पिंड में कुछ अलग भावना करता है, पुत्र कुछ अलग भावना करता है, पिता अलग, पति अलग, ये हमारी संसार है, ये हमारी हमारी मनोराज्य हमारे संसार है। वो जब उस वस्तु में सत्यत्व बुद्धि मिल जाएगा तो उसका संबंध छोड़ जाता है और यही हमारे बंधन के लिए जन्म मृत्यु के हेतु होते संसार होते हैं, ये संसार भाग चला जाता है। ये यदि ये पक्का नहीं वेदांत की सिद्धांत यदि आपको समझ में आ जाता है तो फिर कन्फ्यूशन नहीं रह जाएगा। जगत को देख रहे वो आपका भाव नहीं है, वो ईश्वर की भाव है। जो हमारी बंधन के हेतु होता है वो हमारी भाव है, जो हमने मनोरथ से आरोप कर लिया था वो चला जाता है ना। तो यहाँ भी इसलिए बोलते हैं कि प्रपंच यदि विद्यत निवर्तित न संशय, यदि प्रपंच पारमार्थिक हुई होती ना तब तो निकल जाता, तो है ही नहीं वहाँ पर। टीका में देखिए प्रपंच निवृत्त तुरीय प्रतिबोधा तद अद्वितीयत्वम अविरुद्धम इति सैद्धांतिक आशंका पूर्ववत अनुवदति। प्रपंच की निवृत्ति के द्वारा है ना
ज्ञान हमेशा उत्पन्न होगा अज्ञान को मिटा करके अज्ञान को उत्पन्न होगा। यहाँ पे प्रपंच शिक्षा के बाद संसार में जो आसक्त बुद्धि सत्यत्व बुद्धि हमारे मनोराज्य मनोसृष्टि जो है उसकी निवृत्ति के द्वारा ही तृतीय तुरीय प्रतिपदा तुरियो की प्रतिबोध होने के कारण तुरियो की प्रतिबोध होने के कारण तद अद्वितीयत्म अवल इसमें तुरीय अद्वितीय भेद रहित है, इसमें कोई विरोध नहीं है, इसमें कोई विरोध नहीं है, ठीक है। तद अद्वितीय तुरीय अद्वितीयत्म अविरुद्ध हम यहाँ पर कोई विरोध नहीं है। इति इस प्रकार से सैद्धांतिक आशंका सिद्धांत संबंधित जो आशंका है उसको पूर्ववादी अनुवाद है, पूर्ववादी अनुवाद करता है प्रपंच निवृत्त चे प्रतिबुद्धते। पूर्ववादी बोल रहे हैं यदि प्रपंच के निवृत्ति होने पर ही यदि हमारा अद्वैत की बोध होगा, अनिवृत्त प्रपंच कथम अद्वैत, प्रपंच तो निवृत्ति होता नहीं है, अद्वैत कैसे सिद्ध होगा? प्रपंच से हमें किस बात जगत भाग पड़ेगा, उसको तो निवृत्ति होती नहीं है, वो कैसे सिद्ध होगा? यहाँ पे सूक्ष्म भाग आपको समझना है क्या कहना चाहते हैं। ये मैं बोलूँ मांडू को कार्य का सूक्ष्म चीज आपके सामने ला दे दो जिससे आपको विभेद समझ में आ जाए जगत से क्या कहना चाहते हैं। प्रपंच के अंदर दो चीज विद्यमान है, एक हो गया जगत भाग, एक हो गया संसार भाग। संसार भाग मिल जाते हैं, मनोराज्य मिल जाता है, सत्य तो बुद्धि मिल जाते हैं, परंतु जगत अपने प्रतियमान वस्तु है, वो इष्ट सृष्ट है, वो हमारे लिए तो बंधन के नहीं हेतु नहीं होता। अब खुद देखिए जगत हमारे यहाँ पे विदेश में मतलब रशिया यूक्रेन का लड़ाई हो रहा है, हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु हमारे आश्रम में किसी के साथ मतलब हमारे मन को दुख नहीं, मतलब क्या वहाँ पे हमारे मन तो यही हमारी बंधन की है, ये हमारे बंधन की है। इसलिए आप बोलते हैं कि तुरियम अद्वितीयम इति उक्तम तद अयुक्तम प्रपंचस्य द्वितीयस्य सत्तादिति आशंका आह प्रपंच प्रपंच निवृत्त प्रपंच की निवृत्ति के द्वारा तुरीय प्रतिपदा तद तुरीय प्रतिबोधा मतलब तुरियो की बोध कब होगा? जब इन प्रपंच की निवृत्ति होगी अद्वैत की बोध होगा। तद अद्वितीयत्म अभ्युद क्योंकि एक को मिटा कर ही अज्ञान को मिटा करके ही ज्ञान बनते हैं, मतलब भेद बुद्धि को मिटा करके ममत्व बुद्धि और अहंकार। मैं उस दिन बताया था ना आपको कि देखो कि एक राजा ने एक लड़के मतलब चमार के घर में जाकर के चमार की लड़के शादी कर लिया, राजा हो गया आत्मा और वो लड़की होगी बुद्धि, और इन दोनों के संबंध को जोड़ा कौन? अहंकार। एक जगह में शादी हो रहा था, इधर से बराती आया उधर मतलब लड़कियों के घर में, बरातियों के पास जाकर के एक व्यक्ति सच करके बहुत अच्छा सूट पहन पर के, हाँ जी आप लोगों की आवश्यकता है क्या है, वो बरातियों का स्वभाव यही होता है कि हमेशा बोलता है ये कमी है वो कमी है, वो जाता है लड़कियों के पास, लड़कियों के पास बोलता है आप लोगों ने बरात में बरातियों के ये काम नहीं किया वो काम नहीं किया ये नहीं किया, कुछ पैसा लिया कुछ पैसा हटाया तो कुछ इनको दिया कुछ अपने भी खाया कुछ अपने मर जाइए, फिर जो है इन लोगों के पास गया लड़की वालों के पास क्या आप बताइए बनाते हैं उसको ये होता बताइए नहीं लोग अच्छा होता उन लोगों के पास बोलता है, ऐसा करके दोनों के बीच में संबंध जोड़ करके इसका मजा लेते हैं। तो जब लगभग शादियों के पहले जमाने में बराती कई दिन तक रहते थे, तो जब समाप्त होने जा रहे थे एक दिन जो है वर पक्ष कन्या पक्ष के साथ बीता लोग बैठे बोलते एक व्यक्ति बहुत अच्छा काम किया दोनों तरफ के इतना जो भी हमारा आवश्यकता सब पूरा किया, आप बोल व्यक्ति कौन आप जानते हैं आपका सब पक्ष का होगा तो बोलते उसका जरा ड्रेस बताइए तो बोलते ऐसे ऐसे ड्रेस में, हाँ हम तो सोचा वो आपका पक्ष में आपने भेजा गया बोलते हम तो सोचा आपका पक्ष आपने भेजा गया तो है कौन? बोलते कि ना वो जानता है ना ये जानता है, परंतु तो वो क्या कर रहा था बीच में दोनों बाजियों के बीच में मध्यस्थता कर गए थे, वर पक्ष भी आनंद दे रहा कन्या पक्ष को भी आनंद दे रहा दोनों से लूट भी रहा है, ये हमारी अहंकार है। जब आप ठीक से दोनों पक्ष जब एक हो जाएंगे दोनों पक्ष बुद्धि और सचेतन जब एक हो जाएगा मतलब बुद्धि जब अचेतन के साथ मिल जाएगा दोनों पक्ष मिल के विचार करेंगे तब अहंकार नहीं रहता, तब उसको ढूंढने से नहीं मिलता। ये अहंकार क्या करता है मतलब कि आप देखना हमारी ये जो कहाँ खुला है ये हिरणमय पात्र से सत्य पीतम इसे शुक्र चलते पोषण तत्व अपापन सत्य धर्मय पात्र क्या कहते हिरणमय पात्र बोले चमकीला पात्र कहा गया होगा अहंकार एक चमकीला पात्र पात्र से क्या काम करते हैं तीन काम होता है किसी चीज़ को ढक सकते हैं किसी चीज़ को रख सकते हैं और किसी चीज़ को ही पहन करके खाते भी हैं है कि नहीं। एक पात्र हमारे पास कुछ होता है ढकने के काम आता है रखने के काम आता है भूख करने के काम आता है जो अहंकार तीनों काम करते हैं। अहंकार क्या करता है अपनी व्यापकता को ढकता है अपने संस्कार को बना के रखता है और क्या होता है उसके सहारे खाता है जो रखकर तो खाता है भोग करता है उसको ये जो है ये अहंकार इसलिए ऐसा बोला गया है वेदांत में प्रसिद्ध है मतलब पता ये अहंकार के प्रति आप ठीक से विचार करेंगे तब क्या होता है वो आत्मा अपने स्वराज्य में स्थित हो जाता है तो अहंकार परिचिन्न अहंबुद्धि चला जाता है
इसीलिए हम बोलते हैं कि देखिए कि प्रपंच निवृत्ति के उसको मिटा करके ही ये जो प्रपंच हमने बनाया अपने अहंकार से परिच्छिन्न अहंकार से यही संसार का काम होता है ना। तब अद्वितीय अविरुद्धम इति सैद्धांतिक आशंका पूर्ववाद और मध्यम प्रपंच निवृत्त प्रबुद्धाश्रम प्रपंच निवृत्ति के द्वारा ही चेत प्रतिबुद्ध यदि अद्वैत का बोध होता है और निवृत्त प्रपंच प्रपंच तो सामने दिखाई पड़ता है तो निवृत्ति होती नहीं है तो कथम अद्वैत अद्वैत कैसे सिद्ध होगा। ये जो है सामान्यवादी का यही शंका है मतलब वेदांतिक सूक्ष्म भाग को समझ में नहीं पाता। वेदांतिक क्या कहना चाहता है बोलो बंधन के लिए हेतु क्या होता है दुख के लिए हेतु क्या होता है अहंकार महत्व बुद्धि यही तो बुद्धि के वो मिल जाते हैं। अहंकार मतलब महत्व अहंकार के साथ ही तो महत्व अहंकार जैसे ही आपने परिच्छिन्न अपने को मान लिया तुरंत ये मेरा है मैं मेरा यही तो काम करते हैं और वही बंधन के हेतु होता है और वही संसरण के हेतु होता है। हर जगह पर आप थोड़ा विचार करके देखने से ही पता लग जाएगा वो हिस्सा मिल जाते हैं। देखो शास्त्र ने ये नहीं कहा कि जगत देखो नहीं शास्त्र ने ये देखा तुम आपने मुझे परिच्छिन्न माना कि परिच्छिन्न नहीं थे ना से तब संचयों में देखो उसके पहले भगवान भाष्कर लिखे थे ममो अयम पिता पुत्रो अयम नप्ता क्षेत्र प्रसव अहमेशम स्वामी सुखी दुखी चैन अहम अनैन वर्जित अन्य ये हमारी संसार ये हमारे के संसार थे तो ये हमारे संसार ये हिस्सा मिट जाता है। कैसे मिट जाता है वेदांत तत्व जो अभिन्न परम कारण के गुरु नाश ये बमतम तुम ऐसा नहीं ये युक्ति बुद्धि से और गुरु पक्ष से उनको हिस्सा मिल जाते हैं। इसलिए इसको ध्यान रखना है कि किस किस हिसाब से बोल रहे हैं। तो तब तही पूर्व प्रपंच निवृत्ति अनिवृत्ति तस् सत्व न अद्वैतम सिद्धुम अर्हति इति पूर्वादि एवं ब्रवीति। तो बोलते अनिवृत्ति प्रपंच कथम अद्वैतम जब प्रपंच की निवृत्ति होती नहीं है तो अद्वैत कैसे सिद्ध होगा हम बोलते हैं। तरी पूर्व प्रपंच निवृत्ति पहले प्रपंच का निवृत्त होगा और अनिवृत्ति तो सिद्धि प्रपंच का निवृत्ति नहीं होता तो प्रपंच विद्यमान नहीं होता जब तो विद्यमान सत्ता ना अद्वैतम सिद्ध करे तो अद्वैत सिद्ध ही नहीं होगा अद्वैत सिद्ध ही नहीं होगा। यदि पूर्वादि एवं प्रवृत्ति प्रकार पूर्ववादी ऐसा कहते हैं अनिवृत्ति प्रपंच कथम अद्वैतम प्रपंच की जब निवृत्ति नहीं होती तो अद्वैत सिद्ध कैसे होगा अद्वैत सिद्ध कैसे होगा। अब सिद्धांति श्लोके न उत्तर सिद्धांति श्लोक के द्वारा कहते हैं है ना। अब यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से भगवान भाष्कर देखिए संसार विद्यता तो कैसे करते हैं कि प्रपंच यदि विद्यता निवर्तता न संस उचित एक अर्थ हो रही है। यहाँ पे देखिए टीकाकार लिख रहे हैं टीकाकार बोलते हैं कि प्रपंच वस्तुत्म उपेत अद्वैत अनुपत्ति रुचते किंवा अवस्तुत्म विकल्प आद्य अद्वैत अनुपत्ति अंगीकरोति इति सत्यम ठीक है ना। क्या बोलते हैं आप जो बोल रहे हैं प्रपंच वस्तुत्म प्रपंच पारमार्थिक है इसको मान करके तुम कहते हो कि अद्वैत सिद्ध नहीं हो सकता है तो कुछ प्रपंच जो है पारमार्थिक नहीं है क्या सब बोलना चाहते हो प्रपंच वस्तुत्म उपेत प्रपंच पारमार्थिक है ऐसा मान्यता दे करके अद्वैत अनुपत्ति अद्वैत युक्ति संगत नहीं अद्वैत सिद्ध नहीं होता ये तुम कहना चाहते हो। ये पहला प्रश्न किंब अवस्तुत्व प्रपंच पारमार्थिक अवस्तु है इति विकल्प ऐसा विकल्प करके तो आद्य मतलब प्रपंच सत्य है। यदि ऐसा कहोगे तो पहले में क्या हो जाएगा अद्वैत अनुपत्ति अंगीकरण हाँ हम मानते हैं यदि प्रपंच पारमार्थिक सत्य होगा तो कभी अद्वैत सत्य नहीं होगा इसमें हम लड़ाई नहीं करते तो सच्चाई आप बोले थे जैसे बोलते हैं सत्यम एवं सत प्रपंच यदि बीतते ऐसा हो सकता था यदि प्रपंच पारमार्थिक हुई प्रपंच पारमार्थिक नहीं है उसके बोलते हैं कि सत एवं प्रपंच यदि विद्यमान ना होता तब तो आपके बात सही हो जाती। तो प्रबंध कैसा है बोलते हैं देखिए अद्वैत तरी कथम उपपत्ति तब अद्वैत की सिद्धि कैसे होगी इति आशंक्य प्रपंच अवस्तुत्व पक्षे प्रपंच पारमार्थिक नहीं है प्रपंच पारमार्थिक नहीं अवस्तुत्व पक्षे तद उपपत्ति अद्वैत उपपत्ति इति आहो इसको मन में रखते बोलते हैं। अब देखो क्या रज्ज्वाम भाष्य में स्वरूप इव विकल्पितत्वा रज्जु में जैसे सर्प भ्रांति होते हैं सर्प भ्रांति मतलब क्या विकल्प मतलब क्या होता है कि शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्य विकल्प शब्द ज्ञान शब्द कुछ प्रयोग किया उसके अनुसार कुछ आपका वस्तु की प्रतीति भी होगी परंतु वास्तविक वस्तु नहीं है शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्य विकल्प शब्द को प्रयोग करते हैं परंतु वस्तु नहीं है हमने सर्व शब्द प्रयोग किया
परंतु हम सर्पणा में मस्त नहीं, केवल अधिष्ठान ही है। इसको भी कर्म बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं कि रज्ज्वाम रज्जु में सर्प एव, जैसा सर्प है इस प्रकार कल्पित जगत भी ऐसा कल्पित होने के कारण न तो स विद्यते, वो जगत मतलब वो पारमार्थिक वहाँ पर रहता ही नहीं है। वहाँ पर देखिए टीकाकार बोल रहे हैं कि यथा सर्प रज्ज्वाम कल्पितो वस्तु तो नास्ति, जैसे सर्प रज्जु में कल्पित होने के कारण पारमार्थिक वहाँ पर कभी है ही नहीं, यथा सर्प रज्ज्वाम कल्पित वस्तु तो नास्ति, तथा प्रपंच इसी प्रकार प्रपंच भी कल्पितत्वात् कल्पित होने के कारण नैव वस्तु तो विद्यते पारमार्थिक को है ही नहीं, प्रतीति मात्र हो रहे हैं। तथा च तात्विकम अद्वैतम अविरुद्धम, प्रातिभाषिकम द्वैतम इसमें कोई शंका नहीं है, मतलब तात्विकम अद्वैत पारमार्थिक अद्वैतम, अद्वैत परमार्थ कि माया मात्र मिलम द्वैतम, प्रातिभाषिक द्वैत तो हम मानते हैं, मायिक रूप में द्वैत हमको दिखाई पड़ता है, इसको अस्वीकार नहीं करते, पारमार्थिक दृष्टि से देखो तब तुमको अद्वैत दिखाई देगा, मतलब अलंकार दृष्टि से अनेक है, सुवर्ण दृष्टि से एक है, ये देखने की दृष्टि, क्या बोला हमने, अलंकार दृष्टि से अनेक है परंतु सुवर्ण दृष्टि से एक है, इसलिए अद्वैत पारमार्थिक मूल उपादान के रूप में देखो तो अद्वैत दिखाई पड़ेगा, ये दृष्टिकोण की भिन्नता है। अथा च तात्विकम अद्वैतम अविरुद्धम उक्तम एव व्यतिरेक मुखेन साधयति, जो कहा एक अन्य यदि ये होता तो ऐसा होता, यदि नहीं है तो क्या होगा, उसको व्यतिरेक बोलते हैं, उक्तम अर्थम जिसको कह करके आया उसी को व्यतिरेक मुख से कहते हैं, मतलब उल्टा करके कहते हैं, साधयति विद्यमान से निवर्तित तो न संशय, यदि पारमार्थिक वहाँ पर कोई वस्तु हुई होती ना तब जरूर निकाल जाता, जरूर निकाल जाता, यदि मरुभूमि में वहाँ पे पानी पारमार्थिक हुई होती तो पाँव में लगा के उसको निकाल देते, मरुभूमि में यदि पानी जो दिखाई पी कि आज यदि आप चाहते उसको निकालने के पाँव में लगाओ निकल जाए उससे मिला दो, परंतु वहाँ पर तो है ही नहीं, निकालोगे किसको निकालोगे, इससे अधिष्ठान तत्व तो हमेशा रहेगा, इसमें यहाँ पे बोलते हैं कि विद्यमान शेद निवर्तित, यदि वहाँ पे विद्यमान हुआ होता तो निश्चित ही होने पर निकल जाता है, इस विषय में कोई शंका, निवर्तित न संशय हो उसको निकल नहीं जाता, उस पर कोई संशय नहीं है, मतलब है नहीं, प्रतीति मात्र है, प्रातिभाषिक वस्तु को बस मन उसको देख लेता है, बस उसमें कोई यही भिन्नता है, पहला भी दिन भी जैसा देखा था आज भी ज्ञान के बाद वैसे प्रतीति होती है, परंतु भिन्नता क्या होता है, मनोरंजन की भिन्नता, कल लग रहा था कि वहाँ पे जाके मेरा प्याज बुझ जाएगा थोड़ा देर बैठूंगा, आज मन बोल देता अरे इतना चलने से कुछ लाभ नहीं है क्योंकि वहाँ पे कुछ है ही नहीं, देखो प्रतीति हो रहा है, यही बात है। दूसरे को हाथ चुका देखिए लिख रहे हैं कि नहीं रज्ज्वाम भ्रांति बुद्धिया कल्पित सर्प विद्यमान सन विवेकत निवृत्त, भ्रांति बुद्धि से प्रतीति हो रहा है जो सर्प वो वहाँ पे विद्यमान रहेगा और आपका ज्ञान से निकल जाएगा, ऐसा होना संभव ही नहीं है, भ्रांति से जिसको बताया रज्ज्वाम भ्रांति बुद्धिया कल्पित सर्प, रज्जु के ऊपर भ्रांति बुद्धि से जो कल्पित सर्प है विद्यमान सर्प वहाँ पे विद्यमान भी रहेगा और विवेक का तो निवृत्ति भवती ना विवृत्ति न हो जाए, विवेक से निवृत्ति हो जाएगा, ऐसा होना संभव नहीं है, है नहीं तभी जाकर के विवेक पूर्व मतलब जब ज्ञान से निवर्त हो, इसमें मिथ्यात्व की परिभाषा है ज्ञान निवर्तकत्व मिथ्यात्व, मिथ्यात्व की परिभाषा है ज्ञान निवर्तकत्व मिथ्यात्व, जो ज्ञान से ये हमारे सभी का सभी बात यही कहते हैं कि मतलब देखो जो वस्तु ज्ञान से मिट जाती है वो वस्तु मिथ्या, अधिष्ठान तत्व के ज्ञान से रज्जु के ऊपर दिखाई नहीं, ज्ञान निवर्तकत्व ज्ञान से मिटने वाला वस्तु मिथ्या होता है, इधर विवेक से ज्ञान का लेना है नहीं तो विचार को लेना है, विचार से ही ज्ञान होता है, विवेक तो विवेक पूर्वक उसका निवृत्ति न होती, यदि वहां पे सर्प रहता है रज्ज्वाम भ्रांत बुद्ध कल्पित सर्प विद्ध, रज्जु में कल भ्रांत बुद्ध से कल्पित हुआ सर्प यदि वहां पे विद्यमान हुई होती तो विवेक तो निवृत्ति न सर्प, उसका विवेक से निवृत्ति नहीं होगा, परंतु ज्ञान से निवृत्ति हो जाता है, विवेक में हमें विचार पूर्वक जो ज्ञान होता है और वहाँ पर तो दूरदृष्टि लेंगे, दृष्टांत क्षेत्र में हमारा दर्शन को लेंगे और अद्वैत क्षेत्र में हम अपना विचार पूर्वक विवेक को लेंगे, विचार पूर्वक निर्णय करते हैं, बीच पृथक भावे शब्द बीच पृथक भावे मतलब भावना से पृथक करना,
तो विवेक अगर निवृत्त विवेक पूर्वक निवृत्त हो जाएगा यह आप नहीं कह सकते। भ्रांत वस्तु विवेक पूर्वक निवृत्ति होता है, पारमार्थिक वस्तु विवेक पूर्वक निवृत्ति नहीं, ठीक है ना। अब एक जो मैं बार बार ये देखो, ईश्वर श्रेष्ठ पारमार्थिक है, ईश्वर श्रेष्ठ पर मान्यता देकर, ईश्वर की मान्यता देकर, और हमारी मनोराज्य हमारी कल्पित है, हमारी मनोराज्य हमारी कल्पित है, इसलिए वो यदि वो मिट जाते हैं वो मिट जाता है, और ईश्वर श्रेष्ठ हम उसको मिटाने के लिए प्रयास नहीं करते, क्योंकि जो हमारे बंधन के रूप मिल गए जब तक तो बुद्धि होती नहीं, पर रहे रहे ना रहे क्या फर्क पड़ता है, इसलिए यहाँ पे रहना उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और बाकी पारमार्थिक ज्ञान होने के बाद वहाँ पे दिखते ही नहीं है, देखने पर भी उसको सत्य तो बुद्धि नहीं होती, इसलिए बोलते हैं नहीं राज्य भ्रांति भ्रांति बुद्धि कल्पित सर्प, रज्जु में भ्रांति बुद्धि से कल्पना किया गया जिस सर्प का, यदि विद्यमान सा विवेक विद्यमान भी रहेगा और विवेक पूर्वक निकल भी जाएगा, विवेक तो निवृत्त न भवती नो आगे हो नहीं सकता, इसी को देखिए टीका का लिखते हैं कि यदि आत्मनि कारण अधीन सन प्रपंच विद्येत, यदि मान लीजिए आत्मा में कारण की अधीन हो करके, अब कारण के अधीन को देखो टिप्पणीकार बोलते हैं परमाणु प्रधानादि कारणाधीन, मतलब जो परिणाम बात को मानते हैं है ना, तो परमाणु से अथवा तुम्हारा प्रधान से जगत उत्पत्ति आत्मा में, मतलब पुरुष के संसर्ग में आकर के यदि ऐसा हुआ होता कि यदि आत्मा ने कारण अधीन सन प्रपंच विद्येत तदा कृतकस्य अनित्यत्व नियमात् तन्निवृत्ति अवश्यंभावी, तब क्या है जब कृतकम तद अनित्यमेव व्याप्ति है, जब कृतकम तद अनित्यमेव व्याप्ति है, तो क्या होता है जो उत्पन्न हुआ वो नाशमान भी होगा, जातस्य ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम मृत्यु, तो जो उत्पन्न हुआ नाश होगा उसके लिए अलग करके प्रयास करने का आवश्यकता नहीं, अपने आप ही जाएगा, यदि विद्य तो निपट्य तो न संचय, यदि उत्पन्न हुआ है तो नाश भी होगा, इस समय कुछ संख्या नहीं, क्योंकि सामान्य व्यक्ति सभी जानते हैं, इसलिए बोलते हैं यदि आत्मनि यदि आत्मनि कारण अधीन कारण के अधीन होकर के सब प्रपंच विद्येत तदा कृतकस्य अनित्यत्व नियमा, जब 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 कृतकम तब तद अनित्यम, ये व्यक्ति है जो कि असंभव होगा नाशवान भी होगा, नियमा तद निवृत्ति असंभव है, प्रपंच प्रपंच की निवृत्ति हो ही जाएगा, इसको करना निश्चित होगा, इसको लेकर कोई शंका ही नहीं है, असंभावी असंभावी निवृत्ति स्थिति को है ना, असंभाविनी निवृत्ति स्थिति निश्चित अवश्यंभावी निश्चित जो है अवश्यम है निश्चित ही होगा, निवृत्ति अवश्यंभावी कार्य से जो निवृत्ति नाम कार्य का निवृत्ति क्या होता है कारण संसर्ग तत सति कारणे प्रपंच निवृत्ति अनांतिकत्वात् अद्वैत अनुपत्ति आशंक्यते, कार्य से जो निवृत्ति नाम कार्य का निवृत्ति क्या होता है कार्य लय प्राप्त करता है, किसमें लय प्राप्त करते हैं कारण में लय प्राप्त करते हैं, कुछ बोलते हैं कार्य सचा निवृत्ति नाम कार्य निवृत्त हो जाता है, क्यों कारण संसर्ग हो गया, उसका बोलते हैं तीन नंबर टिप्पणी में एक भी नहीं, एक तो हमने पढ़ लिया कारण मतलब परमाणु प्रधान आदि कारण अभी नहीं किया अर्थ, एक नंबर दो नंबर है कार्य सचा निवृत्ति नाम ननु कारण अधीन एव अभ्युपगम्यता कार्यत्व नियत अनित्यत्वेन निवृत्त अद्वैतम अपेक्षति, क्योंकि कारण के अधीन होकर के कार्य की उत्पत्ति होती है और जो उत्पत्ति होती है वो नाशमान भी होती है, ठीक है, इसलिए बोलते हैं कारण अधीन एव अभ्युपगतम कार्यत्व नियत अनित्यत्व कार्य निश्चित अनित्य वस्तु है, जो कृतकम तद अनित्यम नित्य निश्चित है कार्य से नियत अनित्यत्व तन निवृत्त कार्य अपना भी मिट जाएगा, अद्वैतम अपेक्षति अद्वैत तो अपने आप ही सिद्ध हो जाएगा, बाधांतर आला को न करने इस विषय में फिर तब कोई विचार कोई चिंता अथवा वाद विवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि जो उत्पन्न है नाश हो जाएगा, अद्वित अपना विषय परंतु इस बात इस प्रकार से भी नहीं है, उत्पत्ति हमारी कल्पना मात्र है, इसलिए हमें बोलते हैं कि आओ कार्य सच निवृत्ति नाम कार्य की निवृत्ति मतलब क्या होता है कारण संसर्ग, कारण संसर्ग मतलब कारणात्मक अवस्थान विधि अर्थ, कारण रूप में जगत क्या हो गया, ये चीज थोड़ा सा बीच में मैं पहले आज जैसा बोला जगत की सृष्टि हमें जगत हमारी बंधन के कारण नहीं है, मन जहाँ पे संसर्ग कर लिया वो बंधन के कारण है, कारण संसर्ग अब क्या है कार्य जो अपने मूल कारण के साथ संसर्ग हो जाए वो उसका लय हो जाए, ठीक है ना, मनोराज्य मोह साटा बस तुम्हारे बंधन तो अद्वैत सिद्ध हो जाएगी, इसलिए हमें बोलते हैं कि कारण संसर्ग मतलब कारणात्मक अवस्थान
केवल कारण रूप में रहने से। जगत का मूल कारण क्या है? जगत का मूल कारण क्या है? तो वही जब मूल कारण है उसके साथ एक हो जाना, यही तो कारण कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? अपने आप में सिद्ध हो जाएगा। इसलिए हमें केवल क्या हुआ कि हमने जो मनोराज्य बना लिया, हमने जो संसार के कारण संसार में कर दिया, उसी से कारण संसार में तत्सति तथस्यति कारणे प्रपंच निवृत्ते, उस कारण में प्रपंच का निवृत्ति हो जाना अनात्यंत की, मतलब कभी व्यभिचार नहीं करके अद्वैत अनुपत्ति आशंका आशंकित, वहाँ पे शंका उठाया था न जो कारणाधीन सन प्रपंच अस्थि, है ना, कि कारण के अधीन होकर के प्रपंच ने संसार को होकर के विद्यमान रहता है। कार्य सचा निवृत्ति नाम कारण संसार, कार्य का निवृत्ति क्या होता है? कारण के साथ एक होना है। तथा सति कारण में प्रपंच निवृत्ति, इसके प्रचार क्या हो जाएगा? प्रपंच का निवृत्ति मतलब कारण में नहीं प्राप्त कर लेगा। कारण अधीन सन प्रपंच अस्ति, जब आप कारण रूप में देखोगे उसको तब प्रपंच नहीं है। कारण अधीन सन प्रपंच नास्ति, जब आप मतलब क्या बोला, आपको अलंकार दिखाई दे रहा है तो अलंक दिखाई पड़ रहे हैं, यदि आप सुवर्ण दृष्टि करोगे तो क्या होगा, आपको अलंकार नहीं दिखाई देगा, सुवर्ण दिखाई देगा। यही बोलते हैं कारण अधीन सन प्रपंच अस्ति तस्य कल्पितत्वे न, क्यों वो जो आपको अलंकार दिखाई पड़ रहा है वो कल्पित भाग है। मन तस्य कल्पितत्वे न अवस्तुत्वा वो पारमार्थिक नहीं है, इति अर्थ। ये भारतीय अभिप्रेत है, प्रपंचस्य माया विद्यमानत्वम् न तो वस्तुत्तम, प्रपंच का माया के कारण प्रतीति होते हैं, न तो वस्तुत्तम पारमार्थिक वहाँ पे है ही नहीं। इति उदाहरण अभ्याम उपपादयति, दो उदाहरण के द्वारा इसको समझाते हैं, दो उदाहरण के द्वारा भगवान मास्टर इसको समझाते हैं। क्या? प्रपंचस्य प्रपंच का माया, माया के द्वारा विद्यमान, माया के कारण उसकी प्रतीति होती है, विद्यमान मतलब प्रतीति होती है, न तो वस्तुत्तम वहाँ पे पारमार्थिकता नहीं है। इति इसको उदाहरण अभ्याम दो उदाहरण के द्वारा समझाते हैं, दो उदाहरण समझाते हैं। पहला उदाहरण क्या है? नहीं रज्ज्वाम सर्व बुद्धिया कल्पित सर्प विद्यमान संरज्जु के ऊपर, कल्पित जो सर्प वहाँ पे विद्यमान रहेगा और विचार के ऊपर निकल जाएगा, ये होना संभव नहीं है। मतलब क्या? वो विद्यमान ही नहीं है तभी वो निकलता है। वो प्रपंच यदि भी दे तो इसको समझाने के लिए इतना प्रयास कर रहे हैं, यदि रज्जु के ऊपर सर्प विद्यमान हुई होती तब आपको ज्ञान के द्वारा निवर्तन नहीं होता, वो नहीं दिखा, परंतु ज्ञान के द्वारा आपको नहीं दिखाई पड़ता, जब हम रज्जु को देखते सर्प नहीं दिखाई पड़ता है, यानी कि वहाँ पे वस्तु कोई पारमार्थिक नहीं है, पारमार्थिक कोई वस्तु नहीं है। इसे होता है कि समझना अच्छी तरह से, प्रपंच यदि विद्यते निवर्तेत न संशयः जब प्राचीन बोला जा रहा है ना, यहाँ पे बोलते हैं नहीं रज्जान भ्रांति बुद्धिया कल्पित सर्प विद्यमान, रज्जु के ऊपर भ्रांति बुद्धि से कल्पित सर्प वहाँ विद्यमान भी रहे और विवेक तो निवृत्त भवति, ये नहीं हो सकता है ना, सर्प वहाँ पे पड़ा रहता है, उसको मारने के लिए लाठी आदि कुछ प्रयोग करना पड़ता है, परंतु किसी की आवश्यकता नहीं होता। इसी प्रकार यहाँ भी यदि जगत पारमार्थिक हुई होती तो विचार पूर्वक नहीं जाता, यहाँ पे विवेक पूर्वक जब निवृत्ति हो रही, यानी कि पारमार्थिक कोई वस्तु नहीं है। एक दूसरी बात क्या है, हम लोग जादू देखने जाते हैं, जादू देखने जाते हैं तो माया भी क्या करता है, हमारे दृष्टि को थोड़ा बांध देते हैं, हमारे दृष्टि को पर्टिकुलर एक जगह पर कंसंट्रेट कर देते हैं और दूसरा कुछ होता नहीं है, अजय दृष्टि को वहाँ से हम हटा सकते तो हम पारमार्थिक समझ सकते हैं। आप मान लीजिए उसने आपका उसी कभी आपको दिखा किसी व्यक्ति को काट करके फिर जोड़ दिया, तो जब तक वो काट रहे आपको काट करके फिर जोड़ दिया दिखाए, ठीक है ना, आप भी जानते हैं कि काटना संभव नहीं है और फिर होने पर भी जिंदा होना संभव नहीं है, फिर भी उनकी ये जादू कला, यदि वो हमें पारमार्थिक कट गया होता तो कभी जोड़ता नहीं था, कभी जोड़ने का संभव नहीं है, उसकी मृत्यु अनिवार्य होता है।
यानी कि कटा नहीं हुआ, जब आपको वहाँ पे भूत प्रेत पिशाच कुछ नहीं है, जो पहले एक दृष्टांत भगवान भाष्यकार लिखे थे, माया भी आया रज्जु को आकाश को फेंका, फिर आकाश उसको प्रकट ऊपर गया, फिर लड़ाई हुआ, लड़ाई होने के बाद हाथ पैर इधर उधर काट के टुकड़ा गिरा, फिर पीछे से आके खड़ा हो जाता है। मतलब यदि वो हाथ पर कटा हुआ पारमार्थिक कर गए होते तो कभी नहीं मिल सकते, इसके अंदर भूल गए पता। दूसरा दृष्टम दे रहे नहीं वह माया, माया बिना प्रयुक्ता तद दर्शिनाम चक्षुर्बंध अपगमे विद्यमाना शक्ति निवृत्त। मतलब आपको कुछ दिखाया कि वो जो भी कुछ दिखाया वो वहाँ पे पारमार्थिक हुआ होता, और फिर जब आपका वो आँख को बांध दिया था वो जब हट जाता है तब तो उसको वहाँ देखना चाहिए था आपको। मतलब वो कटा हुआ वस्तु बाद में भी देखना चाहिए था, परंतु नहीं दिखाई देता, केवल मतलब उतना समय तक दिखाई देता जितना दिखा, फिर वो व्यक्ति अपने आप आ जाता है। जैसे बोलते हैं नहीं वह माया, वो जो माया है माया बिना प्रयुक्ता माया भी के द्वारा दिखाया गया है, तद दर्शिनाम चक्षुर्बंध उसको देखने वालों का आँख को बांध दिया था, दिन दहाड़े ताजमहल को गोल कर दिया, पिछली सरकार दिखाया एकदम ताजमहल को दिन दहाड़े विदेशियों के सामने बिल्कुल गायब हो गया। यदि वो पारमार्थिक गायब हो गया हो तो बाद में दोबारा दिखाई देता वहाँ पे, यानी कि बार बार दिखाई नहीं वहाँ पे गायब हुआ वहाँ पे था तो मन के वो नामना दृष्टि की भ्रांति है। ये दो दृष्टांत भी है, इसे बोलते हैं नैव माया, माया बिना प्रयुक्ता तद दर्शिना चक्षु बंध अपगामी, चक्षु का बांध जो बांध दिया था आपका वो हट जाने पर विद्यमान क्षति निवृत्त वहाँ पे रहेगा भी और निवृत्त भी होगा, ये नहीं हो सकता विद्यमान क्षति निवृत्त न भगवत, यानी कि वहाँ पे प्रपंच कभी विद्यमान है ही नहीं, प्रपंच यदि विद्य तो निवर्त न सकते, इसलिए बोलते हैं दो दृष्टांत तो एक ही टाइप है। पहला दृष्टांत तो बोला जो अगर वो अगर करेक्ट होता तो जब ये आदमी का भूल चला जाने का विवेक पूर्वक उसको देखेंगे तब भी सब को देखा जाता, लेकिन जब सब को नहीं देखा जाता इसका मतलब वो पारमार्थिक नहीं है। हाँ, दूसरा दुष्टा के अपना माया भी का दृष्टांत दे रहा है, माया भी जो माया भी मतलब क्या है जादू मतलब क्या है माया, हमारे यहाँ पे वेदांत सिद्धांत क्या है माया के कारण दिखाई पड़ते हैं। तो यदि माया भी जो भी कुछ वस्तु दिखाया यदि वो पारमार्थिक वैसी होती तब क्या होता है, जब हमारे चक्षु का बंधन हट जाता है तब हमको वो वस्तु फिर दोबारा देखना चाहिए था मतलब नहीं दिखाई देता, यानी कि केवल यही प्रपंच यदि विद्यता यदि प्रपंच हो ही होती पारमार्थिक तो आपको बाद में भी दिखाई देता, चाहे वो जादूगर के द्वारा दिखाया गया हो चाहे सर्प भ्रांति से। दो प्रकार से हम लोग मतलब मिथ्या तो सिद्ध करते हैं, या तो जादूगर माया भी के द्वारा अथवा भ्रांति से कल्पित, तो दोनों प्रकार से दृष्टांत देकर भगवान भाष्यकार बोल रहे हैं कि यदि सर्प वहाँ पे पारमार्थिक कभी आ गया होता तो रज्जु के ज्ञान मात्र से उसकी निवृत्ति नहीं होती। इसी प्रकार से माया भी ने जो दिखाया आपको यदि वो पारमार्थिक उस पर वस्तु वहाँ पे हुई होती तब आपका जब चक्षु का दृष्टि हट गया तो फिर आपको बंध अपगम में फिर आपको वही वस्तु दिखाई देता है, परंतु नहीं दिखाई देता है केवल मतलब एक चक्षु बांध देने के कारण उतना दिखाई देता है, वास्तविक वहाँ पर ऐसा कभी हुई नहीं। मैं इसका व्यतिरिक मैंने इसलिए बताया कि ताजमहल को गोल कर दिया हमको उस समय तत्कालिक नहीं दिखाई पड़ते हैं। एक बार कभी आप सुने होंगे आप भी जानते हैं कि हॉल में देर से आया तो सभी ने बोलता है तो देर से आना तो पैसा नहीं करके हल्ला बोला सब सबका घर एक ही टाइम देखा जाए सारे साथ बोलते हैं सब बन जाए। तो ऐसे जो है ये आँख को बांध देने से मतलब यदि ऐसी हुई होती तो बताओ लोग बाद में देख रहे कि नहीं आप उस समय के लिए। तो ऐसे जो है जादू हमारे हमारे सामने ये प्रपंच केवल इतना मात्र हिस्सा है बाकी और कुछ नहीं सोचना, प्रपंच यदि पारमार्थिक हुई होती तब आप इसको निकाल भी सकते, ये प्रतीयमान मात्र इसके ऊपर कुछ भी क्रिया नहीं होता, विचारपूर्वक नाश किसी बंद उसका कोई उपाय नहीं है, एक मतलब बोलना है। इसलिए नहीं वो माया बिना प्रयुक्ता तद दर्शनम चक्षुर्बंधावगमे विद्यमान क्षति निवृत्त। तो एक दृष्टांत भक्ति का कार्य बोलते सर्प ही रज्जा भ्रांता कल्पित नायम सर्प रज्जु ऐसा एक विवेक धिया निवृत्त नहीं वो वस्तु कभी तो विवेक उस बुद्धि से जो निवृत्त हो जाता है वस्तु तो न विद्यते पारमार्थिक उसके विद्यमान तो वहाँ पे है, ये मेन चीज है। इसलिए हम क्या बोला मिथ्या की एक परिभाषा भी है ज्ञान निवर्तकत्व मिथ्यात्व। पहले क्या बोला था आपने देखो मिथ्या की जो परिभाषा रूप में मुख्य परिभाषा है प्रतिपन्न उपाधो त्रैकालिक निषिद्ध प्रतियोगित्व मिथ्यात्व, किसी जगह में जो वस्तु आपको दिखाई पड़ रहा है उसी जगह पे उस वस्तु का त्रैकालिक निषेध, त्रैकालिक निषेध मतलब पहले भी नहीं था जिस समय मैं देख रहा था उस समय भी नहीं था आगे तो कभी होने का संभव नहीं, ये हो गया मिथ्या की पहला परिभाषा।
दूसरा परिभाषा ज्ञान निवर्तकत्व मिथ्यात्व, तीसरा है सत असत विलक्षणत्व मिथ्यात्व। सत असत विलक्षणत्व मिथ्यात्व मतलब जिसको अपने सत रूप में भी प्रतिपादन नहीं कर सकते, असत रूप में प्रतिपादन नहीं कर सकते। सत चेत न बाध्य, सत असत विलक्षणत्व। आप बताओ जगत सत है कि असत है? बाद में बाधित भी हो जाते उसी में मिथ्या। मिथ्या की इस परिभाषा को यदि आप समझ जाएंगे तो आपको जगत मिथ्या बोलने में कोई डर नहीं होगा, और इसको मान्यता देने में कोई डर नहीं रहता। अच्छा यहाँ पे देखिए आगे उसी बोलते हैं बाधितस्य कालत्रय अपि सत्त अभवति, मतलब त्रिकाल अबाधत्वम्, त्रिकाल अबाधत्वम् सत्तत्वम्, अत्रैकालिक निषेधत्वम् मिथ्यत्वम्। इसलिए बोलता है बाधितस्य, जो बाधित हो जाता है ना, जो वस्तु का आपका ज्ञान के द्वारा बाधित हुआ वो वस्तु कालत्रय अपि, तीनों काल में, मतलब जिस समय मैं नहीं देख रहा था उस समय वो नहीं था, जिस समय मैं देख रहा हूँ उस समय भी वो नहीं है और आगे भी नहीं रहता। ऐसे उदाहरण क्या है? रज्जु का, तो जिस समय मैं देख रहा हूँ अपने आप ज्ञान होने पर हम अपने आप ही निर्णय करते हैं, कोई भी भ्रांति स्थल में दृष्टांत में, कोई भी भ्रांति स्थल में एक मिल जाएगा आपको, जिस समय अपने ज्ञान होने के बाद हम स्वयं निर्णय करते हैं, जो मैं देख रहा था वो पारमार्थिक नहीं है। स्वप्न से जागने के बाद हम स्वयं निर्णय करते हैं, स्वप्न में जो मैं देख रहा था मैं मुंबई गया ये गया कुछ नहीं था, हम स्वयं निर्णय करते हैं, यही माया निद्रा से जागना हुआ। यही यहाँ पे बोलते हैं बाधितस्य कालत्रय अपि सत्ता अभवत्, बाधित वस्तु तीन काल में उसका सत्ता नहीं होता, इस अभिप्रेत आगे इसको समझाने का। माया दृष्टांत, माया च इंद्रजाल शब्द वाच्य, माया किस मतलब इंद्रजाल, मतलब इंद्रजाल इंद्र का फैला हुआ जाल, इंद्र के द्वारा फैला हुआ मतलब कोई एक माया भी है उसके द्वारा फैला हुआ जाल है। अच्छा माया बिना प्रदर्शिता, माया भी के द्वारा दिखाया जाता है प्रदर्शिता, पार्श्व स्थान माया दर्शनवता, माया भी के बगल में विद्यमान है जो देख रहे हैं, देखने वाले व्यक्ति मायावी के बगल में विद्यमान है, इसलिए पार्श्व स्थानम बगल में विद्यमान व्यक्तियों का माया दर्शन बताम, जो माया को देख रहे मतलब मान जादू को देख रहे। चक्षुर्गतस्य यथार्थ दर्शन प्रतिबंधकस्य, चक्षु में अभी के कुछ देर के लिए आपको यथार्थ देखने नहीं देगा, एक जगह पे कुछ होगा आपको कुछ और दिखाएगा, अटेंशन उधर कर देगा और इधर कुछ और होगा। इसलिए बोलते हैं चक्षुगतस्य, चक्षु को प्राप्त कराया गया क्या यथार्थ दर्शन प्रतिबंधक, ये पहले यथार्थ देखने में प्रतिबंधक हो गया और वो जब हट जाता है और प्रतिबंधक अपगमिष्यति, जब वो हट जाता है तो जब आपका चक्षु का बंधन प्राप्त होता उस समय जो दिखाई दे रहा था यदि वो पारमार्थिक होता तो वस्तु माने चक्षु के दर्शन हट जाने पर वस्तु दिखाई देना चाहिए था। आपको दृष्टि को बांध दिया गया, दृष्टि को बांध दिया गया, दृष्टि को मान देने का फलस्वरूप आपने क्या हुआ कि सारे जो आठ बज गए उसको आपने साढ़े सात देख लिया आपने, ठीक है ना। अब जब कुछ देर बाद जब जो शो समाप्त हो जाएगा आप उस समय घड़ी को ठीक ना करना, बाहर आके देखना अपना घड़ी सही चल रहा, यदि घड़ी का समय बदल गया होता तब आप घड़ी ठीक करना पड़ता, वो तो केवल दृष्टि को मान दिया गया। यही यहाँ पे बोलते हैं ये बात जो मतलब भाष्यकार देख रहे होंगे ऐसा कोई वस्तु माया च इंद्रजाल शब्द वच्च, माया किसको बोलते हैं इंद्रजाल को बोलते हैं, माया बिना प्रदर्शिता किसी के द्वारा दिखाया जाता है, पार्श्व स्थान माया दर्शन मतलब उसी के बगल में रहने वाला उस माया को देखने वाले का, गाँव में आप देखेंगे विशेष ज्यादा हो रहा था कुछ बोलो क्या फल चाहिए तुमको कुछ बोला आप एकदम आपका माइंड को ऐसा मान देता है उनके पास जो है आप उसी को, उनके पास जो है आप वही बोलिए सभी सुना रहे थे। एक बार होगा मुझे साई बाबा कोई थे बोलते हैं कि जो भी बोलते हैं कुछ बच्चों को प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन में उनको बुलाया था तो मैंने उसको नहीं बोल रहा ठीक है क्योंकि उसको इसमें जाएगा ना तो नहीं बोल रहा है ठीक है उसको तो ठीक है क्योंकि अब क्लास में अपने में बोलना अलग बात है क्योंकि यूट्यूब में रहेगा फिर जो परेशान होगा तो उसके बाद बात करते हैं।
तो यहाँ पे ये जो है माया च इंद्रजाल शब्द वच्चा माया बिना प्रदर्शिता पार्श्व स्थाना माया दर्शन बताम चक्षुपथस्य यथार्थ दर्शन प्रतिबंधकस्य चक्षु में उस समय कुछ देर के लिए यथार्थ दर्शन में प्रतिबंधक बना दिया प्रतिबंधकस्य अपगामी शक्ति जब वो प्रतिबंध घट जाता है तब क्या होता है समुत्पन्न सम्यक दर्शन जब आपका सम्यक दर्शन फिर से आ जाता है यथार्थ दर्शन क्या होता है निवृत्त शक्ति वो जो है आपको क्या होता है वहाँ पे है ही नहीं ऐसा दिखाई पड़ता विद्यमान नहीं रहता इसलिए बोलते हैं यहाँ पे निवृत्त शक्ति नहीं वो वस्तु तो विद्यमान भविष्यमान वो निवृत्त हो जाता है वो नहीं दिखाई पड़ता है यदि वो पारमार्थिक वहाँ पे होता तब वहाँ पे आपको बाद में भी दिखाई पड़ता परंतु ऐसा नहीं होता इसलिए बताया नहीं वो वस्तु तो विद्यमान भविष्यमान से आते पारमार्थिक रूप से हमें विद्यमान में उत्साहित नहीं होता तो क्या हो गया दो दृष्टांत के द्वारा यहाँ पे समझाया भगवान वासुदेव कि प्रपंच यदि विद्यता निवर्तिता न संशय यथा इदम उदाहरण द्वयम जैसे ये दोनों उदाहरण दिया गया एक अपना ही भ्रांति क्या दोनों क्या हो गया देखिए एक अपने आप अपनी भ्रांति से होते हैं ना वो अपने आप होता है और एक होता है कुछ दिखाते हैं ये हमारे यहाँ भी ऐसे हैं कुछ हमारे जन्मांतरीय संस्कार और बचपन से ही माँ बाप उन दोस्तों को सिखाना ये दोनों को मिल जाए जागत सत्य हमारे सामने दिल ये दो दृष्टांत में ये भिन्नता है और अभिप्राय ये रहता दो में ये भिन्नता हो गया एक है कुछ अपना जन्मांतरीय संस्कार दूसरा क्या है इसमें जो अगल बगल जो है ना बचपन से ही सिखाते हैं पढ़ो लिखो नौकरी को रखाओ फिर संसार को पढ़ाओ बस यही कुछ शिक्षा होती है परंतु ये आँख का बंधन जब गुरु के पास मिट जाते हैं तब हमको पता लग गया संसार में कौन व्यक्ति आज तक सुखी और संसारी बनकर है कि नहीं तब हमको अपना पता लगता है चक्षु के बंध जब अगम हो जाते हैं गुरु कृपा से शास्त्र कृपा से तब क्या होता है वो पारमार्थिक अब गए संसार सुख की जगह नहीं है ये हम निश्चय करते अपने आप निर्णय करते तीनों काल में सुख नहीं है यथा इदम उदाहरण द्वयम तथा इदम द्वैत प्रपंचाख्यम ठीक उसी प्रकार से द्वैत प्रपंच के नाम से कहा जाता है वो क्या होता है माया मात्र तत्कालिक केवल प्रतिथि मात्र है न परमार्थक अस्थि न रज्जु सर्प वहाँ पे पारमार्थिक है न माया की जो वस्तु आपने दिखा है वो भी पारमार्थिक है पारमार्थिक है इसलिए यहाँ पे क्या होगा कि हम प्रपंच यदि विद्यता निवर्तिता न संशय अच्छा यदि जगत नहीं है तो बुद्धवादी भी खड़े हमारे पीछे यानी कि तुम शून्यवाद को मान्यता दे दिए परंतु हम ये नहीं बोलते कि माया भी नहीं है माया भी के द्वारा दिखाया गया जो भी वस्तु सारा माई है परंतु माया भी पारमार्थिक है अधिष्ठान नहीं है मैं बोला कि बुद्ध मात शून्य मतलब शून्य से जगत की सृष्टि होती है कुछ भी नहीं है परंतु वेदांति क्या बोलता है कुछ नहीं है कि साक्षी तो इन्होंने समझा कैसा तुमने कुछ नहीं है ऐसे जगत उत्पत्ति नहीं हो सकता इसी में बोलते अविद्या अज्ञान मतलब विद्या विरोधी पाप वस्तु है वो जिससे सृष्टि होती है इसलिए बोलते हैं कि यदि आप बुद्धियों के प्रपंच नहीं रहेगा तब तो आपने शून्यवाद को प्राप्त किया जब प्रपंच नहीं है तो क्या रहेगा आपके पास सामान्य व्यक्ति को बोलो सभी किसी से पूछो आप यदि प्रपंच नामक वस्तु जगत नहीं रहेगा तो शून्य है कुछ नहीं है ये भाग इस स्थिति में आप पहुंच जाएंगे क्योंकि प्रपंच को बाधित करके अद्वैत के बोध होते हैं मतलब वो स्वरूप मैं विद्यमान हूँ है परंतु उसको समझ में नहीं आया अब बुद्ध की शून्यवाद इस युग में नहीं बोला था परंतु उनका शिष्य लोग उसको खुलता समझ लिया कहने की कुछ नहीं है मतलब शून्य है ये नहीं बोला बुद्ध ने बुद्ध भी यही कहना उनका भी बोले महापुरुष थे वो थोड़ी ऐसे कुछ गलत बोले थे परंतु क्या होता है कि हमने समझ से बात में उनका शिष्य लोग उस गलत समझ गए उसे बोलते हैं कि शून्यवाद भी पंथा बन गए तो यहाँ पे बोलते हैं कि प्रपंच असत्य यदि प्रपंच विद्यमान नहीं है तब क्या जाएगा शून्यवाद असत्य तब शून्यवाद को प्राप्त कर जाओगे यदि आशंका आहो ऐसा शंका करने वाले के प्रति उत्तर है नहीं नहीं हमने जैसा सर्प नहीं है बोला माया भी के तरह दिखाया गया वस्तु नहीं है बोला परंतु सर्प भ्रांति का अधिष्ठान रज्जु माया दिखाने वाला माया वो नहीं है नहीं बोला हमने ठीक है ना शून्यवाद में ये दोनों भी नहीं शून्यवाद में दोनों भी नहीं वही मान हम वेदांति क्या बोलते हैं अधिष्ठान है अधिष्ठान के बिना भ्रांति होना संभव ही नहीं है अधिष्ठान के बिना भ्रांति होना संभव इसलिए बोलते हैं कि प्रपंच अस्वत्य शून्यवाद सी आशंका आयो नहीं नहीं तथा इदम प्रपंचाख्यम माया मात्र दैतम रज्जुवत माया भी वत च देखिए दो दिन है यहाँ पे जिस प्रकार अधिष्ठान रज्जु के बिना सर्प भ्रांति होना संभव नहीं है उसी प्रकार माया भी के बिना भी इस प्रकार द्वैत प्रपंच देखना संभव नहीं है क्योंकि श्रुति अपने आप बोलती है क्या बोलती है इंद्र माया भी श्रुति है ये इंद्र परमात्मा अपनी माया शक्ति से अनेक रूप धारण करते हैं
अनेक रूप धारण करते, इसलिए बताए वो माया भी शब्द है। अब माया के साथ दिखाई दे रहा है तो माया भी शब्द प्रयोग हो रहा है, परंतु माया जब हट जाएगा तो माया भी नहीं रहेगा। कोई एक शब्द ने समझाया था कि प्रतिबिंब के सापेक्ष में बिंब शब्द प्रयोग किया हमने, घड़ा नहीं जल नहीं प्रतिबिंब नहीं तो बिंब शब्द भी प्रयोग नहीं कर सकते, एक तत्व है ये समझ में आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार हम होते हैं प्रपंच असत्य शून्यवाद असत्य आशंक रज्जुवत एक हो गया अधिष्ठान रज्जु की तरह, दूसरे क्या माया भी वत्च माया दिखाने वाला है ना, ये अद्वैतम परम वो तत्व है तो वही पारमार्थिक वही सत्य तत्व है। माया के द्वारा दिखा रहा था माया भी जितना वस्तु कुछ भी बड़ा आपको नहीं दिखेगा, परंतु माया भी दिखाई देगा। शुरू में भी माया भी इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर जो है वही लास्ट में भी वही रहते हैं। यहाँ पे बोलते हैं कि माया भी बच्चा अद्वैतम परमार्थ अद्वैत ही पारमार्थिक सत्य वस्तु है। तस्मात न कश्चित प्रपंच प्रवृत्त निवृत्त व अस्थित अभिप्राय, न प्रपंच की निवृत्ति प्रवृत्ति है न प्रपंच की निवृत्ति है, न प्रपंच की प्रवृत्ति है न प्रपंच की निवृत्ति है, दोनों होना संभव नहीं है। इसलिए हमें बोलते हैं कि प्रपंचस्य कालत्रय अपि प्रपंचस्य कालत्रय अपि सत्ता अभावे तात्विकम अद्वैतम अविरुद्धम इति उपसंहरति। क्या हो गया ये प्रपंच जिस समय मैं देख रहा हूँ व्यवहार का स्वप्न जिस समय मैं देख रहा हूँ उस समय सात्विक वस्तु सत्य लगने पर भी जगने से हम स्वयं निर्णय करते हैं कि जिस समय मैं देख रहा था उस समय भी वस्तु वहाँ पर नहीं थी। ठीक इसलिए इसे बोलते हैं प्रपंचस्य प्रपंच का कालत्रय अपि तीनों काल में भी सत्व अभाव है पारमार्थिक सत्ता नहीं होने के कारण तात्विकम अद्वैतम अभी से पारमार्थिक अद्वैत है इस विषय में कोई विरोध नहीं है। इसमें तात्विकम अब देखिए प्रातिभाषिकम अद्वैतम नहीं बोल रहे हैं, तात्विकम अद्वैतम सत्व प्रेम है बिल्कुल परफेक्शन है कि हाँ ठीक है देखना तो द्वैत कोई फर्क नहीं पड़ता। पारमार्थिक मैं क्या बोला अलंकार दिख रहा दिखना तो बुद्धि क्या करो कि ये सुवर्ण नहीं है सुवर्ण भिन्न कुछ नहीं है। इसी प्रकार जगत नाम रूपात्मक हिरण्य कर्म से लेकर के चिड़ी तक दिखाई दे रहा होने दो परंतु सद भिन्न कुछ नहीं है, अपने स्वरूप भिन्न अपने से भिन्न कुछ नहीं है, आत्मा भिन्न कुछ नहीं है, ऐसा निश्चय हो जाए तो कोई आपका व्यवहार में कोई मतलब परेशानी नहीं होगी। भगवत बुद्धि प्रपंच कालत्रय अपनी सत्य अभाव सत्ता के अभाव होने के कारण तात्विकम अद्वैतम अविरुद्धम पारमार्थिक जो अद्वैत है उसमें कोई विरुद्ध नहीं थी तो उपसंहार है इसको उपसंहार करता है। तस्मात न कश्चित प्रपंच प्रवृत्त निवृत्त किसी भी अवस्था में किसी प्रकार की प्रपंच का अवृत्ति भी नहीं है निवृत्ति भी नहीं है, प्रतीति मात्र है अस्थिति अभिप्राय इसका अभिप्राय देता है। ठीक है अब अस्थिति बहुत है इसमें थोड़ा विचार करना कि किसको वेदांती सूक्ष्म दृष्टि से किसको निषेध करते हैं, संसार और जगत की क्या अवस्था है, प्रपंच के अंदर दोनों है किस हिस्सा को निषेध कर रहे हैं किस हिस्सा को बचा रहे हैं, किस हिस्सा को बचा रहे हैं अधिष्ठान को बचा रहे हैं, निषेध किसका कर रहा है जो हमने मनोरंज कल्पना किया था। ठीक है इतना ही ओम आज पहला वाला अजम् अभियनियोगं प्रापदैश्वर्ययोगात् अवगतिं च मत्तां प्रापदेकं ह्यनेकं विविधविषयधर्मग्राही मुग्धे क्षणानां प्रणतभयविहन्त्री ब्रह्मयत्तन्नतोऽस्मि। यो ॐ सकुलमतः।